Hello everyone, I am Raktima and welcome to my channel Journal of a Curious Explorer. आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा that Kolkata has been selected as one of the best food destinations in the world. So Eaters magazine के जो recent article निकला है उसमें से there are 11 countries in the world which has been selected as the best food destination. And in India, only our Kolkata, the city of joy, has been selected as the best food destination. So time to celebrate. So now, today, हम लोग निकले हैं सॉल्ट लेक के. हम लोगों का जो बेस्ट फूड डेस्टिनेशन, स्ट्रीट फूड डेस्टिनेशन, वो सब एक्सप्लोर करने. एंड आई एम गोइंग टू शो इट ऑल टू यू. सो कीप एंजॉयिंग. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रिफ्रेशिंग इवनिंग टी से और आप लोगों को बहुत सारी जगह लेके जाने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं मेरी फेवरेट स्ट्रीट फूड से और वो है फुचका. तो कहीं पे पानी पूरी, कहीं पे फुचका, कहीं पे गुपचुप और कहीं पे गोलगप्पा. बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नाम से ये जाना जाता है, पर कोलकाता का फुचका तो आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि फुचका क्या चीज़ होती है. कोलकाता की फुचके की स्वाद में हमारी नेबरिंग स्टेट के जो बिहारी भाई है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत है. तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही जगह लेके चलते हैं. क्वालिटी बस स्टैंड से 4 नंबर आइलैंड से कैसे पहुंचते हैं ये जगह, इसका एक क्लिप आपको दिखा देते हैं ताकि आप भी पहुंच सके. अभी आ गए हैं मेरी फेवरेट फुचका शॉप में. तो आप लोग मेरे साथ कोलकाता आए हो तो फुचका तो आप लोगों को खाना ही पड़ेगा. ये जो शॉप है ये लोकेटेड है सॉल्ट लेक की एई ब्लॉक में 4 नंबर वाटर टैंक के पास. अगर आप घूमने आते हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए. तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं यहाँ क्या क्या टाइप के फुचका मिलते हैं और क्या क्या मिलता है. तो भैया बताइए कि आपके पास क्या क्या टाइप के फुचकास मिलते हैं. मैं फुचका मिलेगा, पकौड़ी फुचका मिलेगा, सूखा फुचका मिलेगा, फुचका तीन तरह का मिलेगा. और चुरमुर और क्या क्या मिलता है. चुरमुर मिलेगा, आलू चाट मिलेगा. चुरमुर आलू चाट भी मिलता है यहाँ पे. तो हम अभी फुचका खाने वाले हैं. मिक्स पानी. देखिए ये है पकौड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है. तो अभी देखिए पकौड़ी फुचका कैसे बनाया जाता है. हम तो कभी कभी इस पकौड़ी फुचके से ही अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं. ये जो है ना ये है पकौड़ी. फुचका कंप्लीट करके हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट स्ट्रीट फूड की तरफ जो कि है सिंगारा. सिंगारा समोसा का बंगाली वर्शन है. तो ये है क्वालिटी के बंगाली समोसा शॉप. ये लोकेटेड है एग्जैक्टली क्वालिटी बस स्टॉप पे. बहुत ही ओल्ड शॉप और बहुत ही फेमस शॉप है. तो आप देख सकते हो क्राउड यहाँ पे. 4 बजे से समोसा मेकिंग शुरू होता है और कल हम आए थे 6 o'clock सभी खत्म हो गया था. तो आज फिर से वापस आए हैं समोसा खाने. तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं. बंगाली स्ट्रीट फूड की एक स्टाइल है डीप फ्राई करना.
तो देखिए, बड़े से कढ़ाई में बहुत सारे ऑयल लेके इन सिंघाड़ाओं को डीप फ्राई किया जाता है, तभी आता है असली टेस्ट। ₹8 करके, ₹8 दो दीजिए। हाँ जी, गरम गरम। हाँ, ये देखिए गरमा गरम समोसा, देखिए कितने छोटे छोटे, बट बहुत ही टेस्टी है ये। टेस्टी। बता दीजिए इस समोसे में आप क्या क्या डालते हो? इसमें आलू रहता है और हरा मिर्च रहता है, आधा रहता है और हल्दी गुड़ा और भी 5-7 मसाला रहता है, वो मालिक का अंदर रहता है। अच्छा, बहुत ही टेस्टी। बहुत टेस्टी। ये सिंघाड़ा बहुत दूर दूर गया है। हाँ। फिलन भी सिंघाड़ा चढ़ ले आ रहे, हम लोग नहीं चढ़ा अभी तक। बहुत दूर जाते हैं। चढ़ेंगे, आप भी चढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं गुजिया, ये बंगाल में बहुत ही फेमस है। ये स्वीट थोड़ा हार्ड होता है बट बहुत बहुत टेस्टी होता है। और इसी ख्याल से मिष्टी के दुकान में ले जाना तो आपको बनता ही है। आए हो और स्वीट नहीं खाओगे? तो हम आ गए हैं सॉल्ट लेक की VIP स्वीट्स में, और ये है मेरी फेवरेट स्वीट शॉप। ये लोकेटेड है सॉल्ट लेक एरिया में, वार्ड नंबर 31, क्वालिटी बस स्टॉप के पास। तो अगर आप सॉल्ट लेक आते हो तो ज़रूर आइए VIP स्वीट्स। तो हम अब अभी जाएंगे शॉप के अंदर और देखते हैं क्या क्या मिठाई मिलता है यहाँ पे। कौन सी स्वीट यहाँ पे सबसे अच्छी है वो सब दीजिए मेरे को। यहाँ का तो फेमस मिलेगा आपको ये मैंगो का संदेश जलभरा मिलेगा, केसर जलभरा मिलेगा, चॉकलेट वाला मिलेगा, ये कांचा गुल्ला है, और ये वाला बटर स्कॉच मिलेगा, कड़ा पक्का सब जलभरा। और ये गुड़ की है ना? हाँ, ये गुड़ का है, कड़ा पक्का सब आइटम। हाँ ठीक है। और ये सब होगा, तो प्लेन संदेश है, गुड़ का है, वाइट वाला है, और उस साइड है हमारा जो फेमस जो रस्तिक की मलाई चौक, मैंगो दही, दही भी है। हाँ ठीक। हमको अभी एक मिष्टी दही दीजिए। मिष्टी दही, मैंगो दही। सो ये बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो दही है। अगर आप कोलकाता आते हो तो दही ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा। तो मैंने पिकअप कर लिया मेरी फेवरेट स्वीट्स। ये है मैंगो जलभरा, ये है केसर संदेश, ये है काजू पटाली, और ये गुड़ के है। एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस एंड एन्जॉय माई सेल्फ नाउ। यम्मी एज यूजुअल। क्वालिटी से निकल के हम लोग चले सिटी सेंटर चिल्ला खाने। यहाँ का चिल्ला बेसन से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। हम लोग जब भी सिटी सेंटर आते हैं मूवी देखने या शॉपिंग करने, कोशिश करते हैं कि यहाँ का चिल्ला खा के फिर घर जाए। आ गए हैं हम सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर के बाहर आप देख सकते हो यहाँ पे है चौरसिया चाट। तो हम जाएंगे अभी चौरसिया चाट और मैं खाऊंगी मेरी फेवरेट चिल्ला, और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ चिल्ला छोड़ के और क्या क्या मिलता है। यहाँ का छोले टिक्की चाट भी बहुत ही फेमस है। तो ये है चिल्ला, एक लहसुन का चटनी होता है और ये है धनिया पुदीना चटनी। चिल्ला खा के हम लोग चल पड़े कोलकाता की फेमस काठी रोल ट्राई करने, पर इसके लिए हमें जाना पड़ा सिटी सेंटर से सेक्टर 5। काठी रोल को लेके एक स्टोरी भी है, और ये स्टोरी काठी रोल जैसी ही पुरानी है। तो कहा जाता है कि तभी कोलकाता था ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल, और जो पेट्रॉन्स थे, ब्रिटिश पेट्रॉन्स, वो लोग कबाब को हाथ से नहीं खाना चाहते थे। तो तभी निज़ाम रेस्टोरेंट के किसी ने डिसाइड किया कि कबाब को पराठे में डाल के सर्व किया जाएगा,
बाहर में एक पेपर रैपर लगा के, तो तभी से शुरू हुआ ये काठी रोल। काठी रोल को हम लोग चखने पहुंच गए सेक्टर 5 की रंग दे बसंती ढाबा। ये है कोलकाता की फेमस काठी रोल। तो अगर आप कोलकाता आते हो तो ये रोल आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी, और अगर आप कोलकाता के हो तो आपको तो काठी रोल पता ही होगा। तो मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ पनीर काठी रोल। पनीर को तावे में डाल के पराठे के अंदर डाला जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आ गए हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जीडी मार्केट में। इसको कहते हैं चौक। चॉप सिंगारा का ही भाई होता है और बनता है सेम प्रोसेस से। बस बेसन का लेयर थोड़ा पतला होता है, इसीलिए फ्राई थोड़ा रेड होता है। कोलकाता में चॉप आया सदर्न और साउथ वेस्टर्न बंगाल से, पर जैसे आपको दिख रहा है ये चॉप का डिमांड सिंगारा जितना ही है। ये सब चीज़ों को चॉप कहते हैं। तो आपने देखा पूरा प्रोसेस कैसे इसको फ्राई करते हैं। तो ये जो है, ये है ऑनियन का, ये है आलू का, और ये है बैंगन का। तो ये सब स्लाइस करके इसके ऊपर बेसन का कोटिंग करके इसको फ्राई किया जाता है। तो ये डीप फ्राई किया जाता है, इसीलिए ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हम लोग जो बंगालीज हैं इसको पफ राइस, जिसको मूढ़ी कहते हैं, इसके साथ खाते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट खाने वाली हूँ मेरा फेवरेट आलू चॉप। तो ये था हमारा सॉल्ट लेक का छोटा सा टूर, जहाँ पे हम लोग दिखाए आपको हमारे फेवरेट स्ट्रीट फूड जॉइंट्स। दिस वाज टू सेलिब्रेट कोलकाता'स नेम इन द टॉप मोस्ट बेस्ट फूड डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड रेटिंग बाय ईटर्स। सो आई होप इफ यू आर कमिंग टू कोलकाता, यू आर श्योर टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। अगर आप कोलकाता आते हो तो ज़रूर ये सब फूड टेस्ट कीजिए और एन्जॉय कीजिए। So keep watching the channel. Please do like, share, subscribe the channel. Share the channel details with your friends. Help us keep growing, and also do click on the bell icon to keep getting all notifications from this channel. So take care and see you soon.